जी आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दुआ ज़हरा केस की समाअत होगी कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुजुर्ग की अदालत में। आज जो है केस मंजूर होने या मुस्तरद होने से मुतल्लिक जो है दलाइल दिए जाएंगे। मुद्दे मुकदमा जिसमें जो है दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी कादमी साहब हैं, उनके वकील जुबान नासिर और उनकी टीम जो है अदालत में पेश होकर जो है वह इस चालान पर दलाइल देंगे। जुबान नासिर और जो मुद्दे मुकदमा है मेहदी साहब को कहते हैं कि ये चालान जो है इनको मंजूर ना किया जाए सी क्लास में, और उन्होंने अदालत से यही इस्तदा करनी है केस पर कॉग्नाइज लिया जाए क्योंकि इसमें ज़हीर को भी जो है शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और दीगर जो मुलजमान को जो जिसमें अभी तक गिरफ्तार हैं, तो जिसमें एक निकाह ख्वाह है और एक जो है मुबैन तौर पर गवाह है, उनको भी बेकसूर करार दिया था। इससे कबल भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात की थी कि पुलिस ने मेलाफाइडली जो है ये चालान अदालत पेश किया, और पुलिस का ये मौक़ है कि इल्ज़ाम जो है साबित नहीं होते और सिंध चाइल्ड डिस्टेंट मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होता और गैर मौसर हो जाता है क्योंकि दुआ ज़हरा और ज़हीर ने शादी जो है पंजाब में की है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र जो है वो 17 साल है और पंजाब में 16 साल तक शादी जो है कानूनी की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो दो मुलजमान हैं जिसमें अभी गिरफ़्तार है निकाह ख्वाह और गवाह, उनको उनके खिलाफ भी कोई अहम शवाहद पुलिस को नहीं मिले हैं। ये पुलिस का ये मौक़ है अपने चालान में, लेकिन इन तमाम इल्ज़ाम को और पुलिस के मौक़ को मेहदी कादमी ने मुस्तरद कर दिया है। और सबसे कुछ देर बाद ये इस केस की समाअत होगी और जो भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचाएँ। आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आप इस केस से मुतलिक अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।